हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं 2024 मॉडल TVS की रोनिन 225 और यह है दोस्तों बेस वेरिएंट, यानी कि स्टार्टिंग मॉडल है, सबसे कम प्राइस वाला है। और कितना इसका ऑन रोड प्राइस आएगा, माइलेज क्या आएगा, फीचर क्या आएगा और स्पेशल एडिशन इसमें क्या क्या डिफरेंसेज मिलने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कितने वेरिएंट में मिलता है, कितनी सभी का प्राइस है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसका की आप देखोगे तो इसके की के अंदर ये जो ये टी वाला जो लोगो दिया गया है, ये देखिए आप, इसके अंदर यही चीज़ आपको हेडलाइट में मिलता है। ये देखिए आप, अभी इसको मैं जला के दिखाता हूँ, ये है। और दोनों साइड में आपका की रहेगा और स्मार्ट की आपको मिल जाती है, जैसे कि आप देखते हैं काफ़ी बढ़िया की आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये है इग्निशन इसका, तो इस तरह से जैसे ही हम यहाँ पर देखिए लगाएंगे, ऑन करेंगे, ये देखिए इसमें हजार्ड बटन का भी सिस्टम दिया गया है जो कि ऑन हमने किया है। तो LED वाले इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलते हैं, भाई फ्लेक्सिबल तो नहीं है, फिक्स है, लेकिन इंडिकेटर बहुत ही गजब का दिया गया है। DRL आपको यहाँ पर जैसा कि आपको बताया टी शेप में जल रहा है और LED वाले आपको हेडलाइट मिल जाते हैं सर्कल में। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम वेरिएंट की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी में आपको भाई साहब चार वेरिएंट में इसमें दोस्तों आपको मिलेंगे। चार वेरिएंट इसका आता है, कलर आता है सात और चार वेरिएंट रहेंगे। सबसे स्टार्टिंग का जो आप देख रहे हैं इसका 1,49,000 अप्रोक्स इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड कितना है ये वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको भी बताऊंगा। और सबसे टॉप वेरिएंट आता है स्पेशल एडिशन है, जो कि 3 टोन यहां पर आपको क्या क्या डिफरेंस रहेगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। उसकी ऑन रोड कीमत है 2,08,000, ठीक है। इसका स्टार्टिंग मॉडल का ऑन रोड प्राइस है 1,75,000, इसका ऑन रोड प्राइस है कम्प्लीट बेस वेरियंट का, ठीक है। लेकिन ये भी सब चीज़ में आपको आगे ही मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है भाई पूरा मेटल, देखो आप पहले मजबूती यहाँ पर TVS वालों की। इसका एग्जॉस्ट नोट साउंड भी आपको सुनाऊंगा और कैसे ये आवाज़ इतना TVS मेंटेन करता है, ये भी आप इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। सर्कल में ग्रे कलर का यहाँ पर आपको ये इस तरह से मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डुअल टोन फिनिशिंग के साथ डोम इसका रहेगा इस तरह से। यहाँ पर नंबर प्लेट आ जाएगा, इंडिकेटर LED वाले, ये रहा पूरा फ्रंट का आप लुक देख सकते हैं। अब ये है इसका मेटगार्ड, जो कि ये फाइबर, ये आपका मेटल का रहने वाला इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फ्रंट का सस्पेंशन 41 डिया का यहाँ पर ऑफ साइड डाउन फोर्क मिलेगा और इसके जो फर्क आपको यहाँ पर दिख रहे बेस और टॉप वेरिएंट में या इसके ऊंचे वाले मॉडल में, उसमें गोल्डन कलर का रहेगा, इसमें आपको ब्लैक कलर का रहेगा, बाकी चीज़ वही है, यहाँ पर आपको सिर्फ गोल्ड कलर का फर्क मिलेगा। 300 mm का डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS फ्रंट पे और 110/70 17 इंच की अलॉय व्हील आगे और पीछे आपको मिल जाती है, वो भी मैक व्हील मिलती है डायमंड कट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाएगा, इसमें आपको व्हील पर रैपिंग नहीं मिलेगी, इसके ऊंचे मॉडल में आपको रैपिंग मिल जाएगी, ये फ़र्क आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर का, काफ़ी गजब का लेग गार्ड यहाँ पर रहने वाला है। और इस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो ये मैक व्हील देखिए इस तरह से दिख रही है, डायमंड कट आपको अलॉय व्हील मिलती है, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको इंजन गार्ड मिलता है, ये फाइबर का आपका रहने वाला है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो मेड गार्ड आपको इस तरह से मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखिए इंजन गार्ड है ये, और इंजन गार्ड भाई साहब एकदम गजब तैयार, इसमें देखो ग्रिल जैसा जाली जैसा दिया है, यहाँ पर देखो इसके अंदर कटिंग किया गया है, ये बहुत ही गजब का आपको मिल जाएगा, जिससे आपका जो इसका साइलेंसर वो भी ढका हुआ है। अब यह है इसका ब्रेक लीवर और फुटरेस आपको फ्लेक्सिबल मिलेंगे। यहाँ पर देखिए गार्ड भी दिया गया है, वो भी आपका ये आपको मिलता है लगभग एल्युमिनियम का स्टील फिनिशिंग के साथ, तो इस तरह से आप पैर रखेंगे तो सेफ्टी रहेगा। यहाँ पर भी एक गार्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको देखते हैं एल्युमिनियम का आपको बढ़िया गार्ड मिलता है इस तरह से सेफ्टी के लिए। आप इंजन देखोगे तो ये भी भाई मैक व्हील टाइप का दिया गया है, देखो आप इसका डायमंड कट में यहाँ पर दिया गया है इंजन, देखो आप देखिए एकदम सेम डिजाइन यहाँ पर आपको मिलेगा। और इंजन आपको कैसा मिलता है, कितने CC कितने पावर और कितना, आपको हर एक चीज़ में आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इंजन, इसमें आपको भाई किक स्टार्ट नहीं मिलेगा, ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये फीचर आपको मिलता है, ये इंजन है आयल कूल वाला, यहाँ पर आयल कूल का भी सिस्टम दिया गया, इस तरह से आप देख सकते हो। ये सिंगल हारन है, लेग गार्ड हो गया। अब ये देखिए इंजन साउंड भी आपको सुना रहे हैं, सबसे पहले 5 गियर यहाँ पर आपको मिलते हैं, 5 गियर TVS का इस तरह से आपको 3D वाला स्टीकर नहीं बल्कि इसके अंदर मान लो चिपकाया गया फिटिंग है। और ये आपका फाइबर का है, इससे इंजन के जो है समझ लीजिए कोई चीज़ का सेल लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही खास चीज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है आपका बाइक का साउंड मेंटेन रखता है, TVS वालों की यही तो खासियत है कि साउंड इतना बढ़िया बेस इसमें देते हैं भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी सेम दोनों साइड पर इस तरह से आपको ये जो है सेफ्टी मिल जाती है, ग्रिल जैसा लुक यहाँ पर, एयर फिल्टर पर अच्छा काम करता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से रहने वाला, ठीक है। इंजन
हीटिंग का प्रॉब्लम कम होता है। यह रहा गियर लीवर, देखो गियर लीवर कितने स्टाइल से दिया गया है। यह साइड स्टैंड है जो कि साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है। फुटरेस्ट आप दोनों देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको गार्ड मिलेगा। और फुल ये देखिए फाइबर का चैन कवर, देखो चैन कवर ऐसी गाड़ी में आपने भारत में किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा, इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको चैन कवर मिलती है। तो ये भी इंजन आपको इस तरह से भी आपको मिल जाएगा डायमंड कट में। तो इंजन है 225.7 सीसी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवीएस का इंजन है। और 7750 RPM यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर, और इसका जो है 20.1 BHP आपका रहने वाला है। अब दूसरी बात, यहाँ पर इसमें जो माइलेज है कंपनी 40 का करती है, यानी 40 से 42 का माइलेज, बट आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, आपका माइलेज भाई डिपेंड करेगा चलाने के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंजन। तो इंजन काफ़ी गजब का आपको मिलता है। अब चलिए हम सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट साउंड, यानी कि देखिए इसमें गियर इंडिकेटर भी दिया गया, पहले गियर में है ये गाड़ी बता रही है। यहाँ पर हम इसको कर दिए न्यूट्रल, देखिए एन हो गया, ठीक है। अब ये गाड़ी स्टार्ट होगी, यहाँ पर ये इंजन किल स्विच है, इसको हम ऑन किए। इंजन में ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया, साइलेंटली बाइक स्टार्ट हुई, देखो आप आवाज़ सुनो। बेस कितना बढ़िया मेंटेन किया है देखो आप, देखा ये चीज जो है टीवीएस ने मेंटेन किया है बेस, यानी कि इसका आवाज़ साइलेंसर देखो आप, होल इसका इतना दिया गया है, इतना भारी, तो ये आवाज़ जो है बहुत ही गजब का मेंटेन कर रखा है इन्होंने। अब यहाँ पर देखेंगे इंजन किल स्विच, मोड का ऑप्शन, हैजर्ड बटन, सेल्फ स्टार्टर, बार एंड यहाँ पर मिलेगा, एडजस्टेबल आपको क्लच और ब्रेक लीवर नहीं मिलेगा, पासिंग हाई लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न। ये हैंडल बार देखो आप कितना मोटा दिया है, ये देखो आप कितना खतरनाक। और ये देखिए इसका पूरा लुक, यहाँ पर आपको पूरा फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें आपका क्लॉक, स्पीड, यहाँ पर गियर बताएगा, ऑडियो, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये मोड है, रेन है। अब यहाँ पर देखो ये अर्बन हो गया, यहाँ पर आपका हो गया रेन अर्बन, और स्पोर्ट कहाँ गया भाई, यहाँ पर आपका क्लॉक हो गया। देखो ये RPM आपका शो करेगा जैसे अभी स्टार्ट करेंगे, तो देखो ये RPM चढ़ रहा है, ये देखो ये पूरा RPM आपका यहाँ पर चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखो बटन यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो मोड में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये हो गया, और यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी नीचे दिया गया है, ये सेट का बटन है, ये सेट का बटन है, आप इसे सेट चीज़ सेट कर सकते हैं, जैसे क्लॉक हो गया कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल, और देखो जिसे ऑफ करता हूँ फिर अभी पूरा शो करेगा, ये देखिए आप इतने सारे यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलते हैं, साइड स्टैंड लगा रहेगा तो भी बताएगा, ABS आपका यहाँ पर बताएगा, और उसके बाद हीटिंग का भी प्रॉब्लम, और कोई वार्निंग लाइट यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लो फ्यूल वार्निंग यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए वार्निंग लाइट है, ये सारी कंसोल सारी सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर हॉर्स का लोगो भी यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, तो ये आपको सर्कल में यानी गोल मीटर मिलेगा, वो भी साइड पे इस तरह से ये लुक देगा। और यहाँ पर आपका ये रहा मिरर, जो कि ये एल्युमिनियम वाला है, मजबूत एकदम नंबर एक रहने वाला है। अब ये है फ्यूल टैंक, जो कि 14 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से फ्यूल टैंक रहेगा। अब बेस वेरिएंट में ये सिंगल टोन में रहेगा, सिंगल एक ही कलर में, इससे ऊंचे वाले मॉडल में डुअल टोन, थ्री टोन आपको मिल जाएगा, इस तरह से कई सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। ये रहा 3D वाला हॉर्स का लोगो, जो कि काफ़ी गजब का मिलेगा, और इस साइड से भी आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, इस पर आपको कोई स्टिकर नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, इस तरह से पूरा रहेगा। अब साइड पर भी आप देखेंगे तो सेम टू सेम कलर पर आपका रहने वाला है, रोनिन का 3D वाला स्टिकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर भी ये गार्ड दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम रोनिन का ब्रांडिंग। सीट आपको प्योर लेदर वाली मिल जाती है, और काफ़ी गजब की सीट मिलती है यहाँ पर दो लोगों के लिए है। और ये रहा साइलेंसर का मफलर, स्टील वाला पूरा साइलेंसर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे तो ये पूरा गार्ड दिया गया है, और मोनो सस्पेंशन आपका है 7-स्टेप एडजस्टेबल। और ये देखिए आप इसके अंदर पूरा मडगार्ड, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा 240 mm का। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा इसका पूरा मडगार्ड, और ये जो टायर का साइज है वो है 230/70/17 का, इसमें भी डायमंड कट मैकव्हील आपको मिलेगी। ये देखिए पूरा गार्ड इस तरह से पूरा चैन कवर के साथ पूरा कंप्लीट है, चाबी लगा के यहाँ से सीट खोल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर ये रहा इसका ग्रेवरेल, जो कि आपका पाइप वाला रहने वाला है, इंडिकेटर आपको पूरे LED वाले चारों रहेंगे। ये रहा LED वाली टेल लाइट, वाव क्या बात भाई, गजब के शेप में दिया गया है टेल लाइट, देख सकते हो आप, एकदम नंबर वन डिज़ाइन है इसका, देख सकते हो आप। यहाँ पर TVS 3D लोगो, ये रहा पूरा स्टील वाला, यहाँ पर नंबर प्लेट आपका लगेगा, वाइट कलर यहाँ पर LED वाले दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर, टायर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दिया गया है सारी गार्ड, ये देखिए आप। और लेडीज़ के बैठने का स्पेशल व्यवस्था, यहाँ से सारी गार्ड लग जाएगा, आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्पेशल फेमिलियर बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, रेसिंग बाइक है, क्रूजर बाइक है,
हर एक जो है चीज़ में, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 181 mm है और इसका 161 किलोग्राम वज़न है दोस्तों, वज़न भी ठीक है 181 mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट 796 mm है, यानी कि सीट हाइट भी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, वज़न भी बढ़िया है, गाड़ी चपक के रोड पर चलने वाली है। अब हम बात कर ले इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो 1,75,000 जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ऑन रोड प्राइस है। फाइनेंस प्राइस की बात करें तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट भर के आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, और इस गाड़ी को लेने के लिए यहाँ पर मंगलदीप टीवीएस नवसारी गुजरात से यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप जहाँ से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप टीवीएस के शोरूम पर विजिट करके गाड़ी को ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।